अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लीन अकवान। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक मटेरिया की मेडिसिन के हवाले से है जिसका नाम बूस्टा है। दोस्तों, इसकी कुछ ऐसी खास अलामत हैं कि जो बड़े क्रॉनिक अमराज होते हैं, बड़े दरीना अमराज होते हैं, तो उन अलामात की बेस पे अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो उन दरीना अमराज को ये जड़ से उखाड़ के रख देती है। दोस्तों, इस दवा के अंदर कसरत हैज पाई जाती है, यानी कि औरतों को जो माहवारी होती है, जो मेंसेस उनको मंथली आने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी मकदार होती है। और सबसे खास अलामत, मरीज जब रात को लेटता है तो उसकी माहवारी के अंदर इजाफा हो जाता है। ये सबसे खास अलामत पाई जाती है। दीगर अद्वियात हैं जैसे कि मेलीफोलियम है, या इसके अलावा सिकलकार है, इसके अलावा दीगर अद्वियात हैं, उनके अंदर भी कसरत हैज पाई जाती है। लेकिन बूस्टा के अंदर औरतों में खसूसन रात के वक्त लेटना और लेटने के बाद माहवारी का ज़्यादा हो जाना, मेंसेस का ज़्यादा हो जाना बड़ी खास अलामत है। दिन में चलते फिरते हुए कम मकदार में खून आता है, लेकिन रात को उसका फ्लो बहुत तेज हो जाता है। दोस्तों, बाज़ुकात अंबर ग्रेसिया की तरह इसमें दो माहवारी के दरमियान मरीज थोड़ा सा भी वजनी काम करता है तो उसको पीवी ब्लीडिंग यानी कि पर वजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और लिकोरिया भी मेंसेस ख़त्म होने के बाद शुरू हो जाता है। अगर किसी को लिकोरिया का मसला है तो मेंसेस शुरू हो जाए, लिकोरिया उसका बंद हो जाता है, लेकिन जब उसकी माहवारी बंद होती है तो लिकोरिया दोबारा से शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसमें मरीजा का जिस्म फूला हुआ और कोई भी रस्सी बंद या किंची का इस्तेमाल करें तो जिस्म पे गहरे निशान पड़ जाते हैं, उन उस कैंची के या उस गिरा बंद के बड़े गहरे निशान पड़ जाते हैं। इसके अलावा मरीज किसी भी किस्म का ख़ास तौर पर खसूसन कमर पे जब वो कपड़े पहनता है तो उसको तंगी महसूस होती है। रात के वक्त माहवारी का ज़्यादा हो जाना और उसके साथ साथ कमर पे कपड़ों का तंग महसूस होना, कमर वाली जगह पे ऐसे महसूस होना कि लूज कपड़े भी तंग महसूस हो, ये बूस्टा की बड़ी खास अलामत है। इसके अलावा दोस्तों, मरीजा लेक्सिस की मानत, उसको सांस की तंगी महसूस होती है। दोस्तों, छपाकी, अर्टिकेरिया और जब रूस्टॉक्स अर्टिकेरिया पे काम ना करे तो बूस्टा मेडिसिन देनी चाहिए। एक्जिमा, छिलकेदार एक्जिमा, खुश्की, वाइट खुश्की के साथ छिलके उतरे और मरीज को एक्जिमा हो तो बूस्टा उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, और खसूसन गर्मी के अंदर ये शिद्दत एक्जिमा अख्तियार करे तो बूस्टा जो है बड़े अच्छे असरात रखती है। इसके अलावा दोस्तों, जो कॉक्सीजियल बोन्स हैं यानी कि हमारे कमर के जो मोहरे हैं, जो सबसे आखिरी मोहरे हैं, उसकी डुमची कह लें जिसे कॉक्सीजियल वर्टिब्रास कहते हैं, उनके ऊपर शदीद किस्म की ख़ारिश होना, उसका एहसास होना, या बैठ के मरीज जब बैठता है तो उसको इचिंग स्टार्ट हो जाती है, तो यकीनन बूस्टा ऐसी इचिंग को ठीक करती है। इसके अलावा दोस्तों,
जो क्लिनिकली मैंने खुद मरीज बालों को डाई करवाते हैं या मेहंदी लगाते हैं, तो उसके बाद उनको सर पे एक्जिमा बन जाता है, उनको डर्माटाइटस हो जाता है, या टाइनिया डर्माटाइटस हो जाता है, या रिंग वर्म बन जाते हैं, तो उनमें बविस्टा का इस्तेमाल बहुत मुफीद रहता है। दोस्तों, इसके मरीज की बगल में से प्यास सी बू आती है। इसके अलावा इस मरीज की जुबान बेकाबू होती है, मरीज अल्फाज गलत बोलता है, और इवन के अल्फाज लिखते हुए कोई सेंटेंस लिख रहा हो तो अल्फाज को गलत लिखता है। जैसे कोई लफ्ज पहले लिखना हो उसको मिड में ले आएगा, मिड वाले लफ्ज को पहले पे फर्स्ट इनिशियली ले आएगा या लास्ट पे ले आएगा। यह भी बड़ी हास अलामत बविस्टा के अंदर देखने को मिलती है। इसमें कालू संतस की तरह पेट दर्द होता है, लेकिन इसकी दर्द ऐसी है कि एनाकार्डियम की तरह या रुस्टॉक्स या सीपिया की तरह खाना खाने से सुकून मिलता है, और पेशाब लाल रंग का थोड़ी मिकदार में होता है। कालू संतस में पेट की दर्द हो, कोलिक पेन हो, तो खाना खाने से दर्द शिद्दत अख्तियार करती है, लेकिन इसमें खाना खाने से दर्द में सुकून मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, कोयले की गैस के बद असरात, उसमें अमोनिया कार्बी और ये मेडिसिन दोनों बड़ी अच्छी इस्तेमाल की जाती हैं। और एपिस्ट्रेक्सिस, खसूसा सुबह के वक्त नकसीर का फूटना बेविस्टा की एक खास अलामत है। दोस्तों, वो औरतें जिनको 2 माहवारी के दरमियान लिकोरिया होता हो, जिनको रात को लेटने के बाद माहवारी यानी कि ब्लीडिंग के अंदर इजाफा हो जाता हो, जिनको कोई भी गिरा बांधने या कैंची वगैरह इस्तेमाल करने से हाथों पर निशान, गहरे निशान पड़ जाएं, कमर पे कपड़ों के तंग होने का एहसास, उसके साथ साथ छिलकेदार एक्जिमा, छपाकी, अल्फाज का गलत बोलना, जुमला ठीक ना लिख सकना, बगल में से प्यासी बू आना, और उसके साथ साथ मरीज को पेट का दर्द, खाना खाने से आराम मिलता हो, तो उनके अंदर बविस्टा का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद इस्तेमाल रहता है। दोस्तों, ये एक ऐसी रेमेडी है जो क्रॉनिक अमराज के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। और आप जो वीडियो देखते हैं उसको ज़रूर लाइक कीजिए और पसंद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।